दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर शॉर्टकट की के हैं, जिसमें कुछ शॉर्टकट की आपको आती होंगी और कुछ नहीं। तो दोस्तों इसमें हम आपकी रिवीजन और नए शॉर्टकट की भी ऐड करेंगे, जिससे आपके जो है इससे बनने वाले क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इनको करते हैं। सबसे पहले आपका दिख रहा है कंट्रोल ए, तो इससे क्या होता है किसी डॉक्यूमेंट के पूरे टेक्स्ट या किसी फोल्डर के पूरी फाइल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल सी, सिलेक्ट आइटम टेक्स्ट फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल एन से क्या होता है आपका एक न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ठीक है। दूसरा है आपका कंट्रोल ओ, फाइल ओपन करने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें, किसी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। कंट्रोल पी, करंट पेज और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल एफ, सेव करने के लिए। दोस्तों इन सभी की अगर कमांड प्रैक्टिकली नहीं आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इनसे बनने वाली प्रत्येक कमांड को प्रैक्टिकली तरीके से आपको बता देंगे, जिससे आप प्रैक्टिकल तौर पर भी जान पाएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल वी, तो कॉपी आइटम को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स, सिलेक्ट आइटम को कट करने के लिए। कंट्रोल जेड, अंडो, इसका उपयोग किसी गलती को हटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद कंट्रोल जेड, इसका प्रयोग किसी गलती को हटाने के लिए किया जाता है। रेडो, इसमें किए गए किसी कार्य को फिर से करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू, कंप्यूटर ब्राउजर को बंद करने के लिए। दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, ओपन टास्क मैनेजर, लॉक कंप्यूटर, स्विच यूजर जैसे कार्य करने के लिए। कंट्रोल एस्केप की, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। अल्ट प्लस F4, वर्तमान में सक्रिय कार्यक्रम को क्लोज करने के लिए। अल्ट प्लस एंटर, सिलेक्ट आइटम के प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए। अल्ट प्लस टैब, ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच स्विच करने के लिए। अल्ट प्लस प्रिंट एस्केप, केवल प्रिंट स्क्रीन केवल प्रोग्राम के लिए स्क्रीन शॉट बनाएं। शिफ्ट प्लस डिलीट, रिसाइकिल मेनू में रखे परमानेंटली डिलीट करें। शिफ्ट प्लस F10 एक राइट माउस क्लिक के रूप में काम करता है। शिफ्ट प्लस एरो की, डेस्कटॉप पर एक से अधिक आइटम का चयन करें या किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। एस्केप की, वर्तमान कार्य कैंसिल करने के लिए। चलिए अब तो ये तो अपनी जनरल, अब बात करते हैं शॉर्टकट की जो कि विंडो से बनती हैं। बिन से आपका क्या हो गया, डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेनू। विंडो प्लस ए प्लस करेंगे तो ओपन द विंडो द एक्शन सेंटर। विंडो डी से तो और हाइड द डेस्कटॉप, ठीक है। विंडो प्लस ई से ओपन फाइल एक्सप्लोर। विंडो एस से ओपन द सेव जरम, ठीक है। विंडो आई से हो जाएगा आपका ओपन द सेटिंग, ठीक है। विंडो के से ओपन द डिवाइस क्रम। विंडो एल से लॉक योर कंप्यूटर। विंडो एम से मिनिमाइज ऑल विंडोज। विंडो आर से ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। विंडो एस से सर्च विंडोज। विंडो टी से साइकिल थ्रू ऐप ऑन द टास्क बार। विंडो एक्स से हो जाएगा आपका ओपन द पावर यूजर मेन्यू। विंडो F1 ओपन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। दोस्तों अगर इनके भी आपको प्रैक्टिकली कमांड सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। इसके बाद विंडो प्लस टैब, ओपन द टास्क व्यू। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, सेव आ स्क्रीनशॉट इन द पिक्चर फोल्डर। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट एरो तो टू स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी कि दो स्क्रीनों के बीच में आ जा सकते हैं। विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी, एड अ न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। इसके बाद विंडो प्लस इंटर, ओपन नैरोटर। विंडो प्लस प्लस स्लैश तो जूम इन और आउट यूजिंग मैग्नीफायर। इसमें आपका क्या होगा कि स्क्रीन को आप जूम आउट और इन कर सकते हैं। विंडो प्लस स्केप की, एक्साइट मैग्नीफायर, इसको आप हटा सकते हैं इसके द्वारा। चलिए इसके बाद कंप्यूटर शॉर्टकट की फंक्शन की। F1 से आपका क्या होता है, डिस्प्ले हेल्प। F2 से विंडो में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए। F3
सर्च फॉर फाइल या फोल्डर, ये फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। F4P से डिस्प्ले एड्रेस बार लिस्ट एन वाई कंप्यूटर और विंडो एफ पहले। इसमें आपका विंडो बार में डिस्प्ले करता है पर लिस्ट, ठीक है। F5 से रिफ्रेश एक्टिव विंडोज। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, किसमें, एमएस डॉस में, आउटलुक आदि में, ठीक है। F8 कंप्यूटर को बूट करते हुए F8 को बार बार दबाने से सेफ मोड में ओपन होता है, ये हमारे फॉर्मेट के समय काम करता है F8, ठीक है। F9 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F10 से क्या होता है, विंडोज में फाइल मेन्यू बार को एक्टिव करता है। F11 से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज द एक्टिव विंडो, इससे आपका जो है विंडो रहती है जो आपकी साइज को कम और बड़ा करते हैं F11 से। इसके बाद F12 से ओपन द सेव विंडोज एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें आपको किसी भी फाइल को सेव एज विंडो ओपन होती है, यानी किसी एक फाइल की दूसरी कॉपी बनाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रन कमांड भी कर लेते हैं साथ में, क्योंकि इससे भी बनने वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो रन कमांड में आप क्या क्या हुआ, जैसे ही आप रन कमांड ओपन करेंगे, जैसे कि आप विंडो प्लस आर करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका रन कमांड ओपन हो गया, तो यहाँ पर जो भी आप कमांड यूज करेंगे वो स्किप के से क्या होगा, तो इसमें आपको अगर CALC टाइप करके सर्च करते हैं तो कैलकुलेटर ओपन होगा, MS पेंट पर पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। नोट पैड टाइप करेंगे तो नोट पैड ओपन होगा, विंडो में MS वर्ड ओपन होने लगेगा, एक्सेल में MS एक्सेल और MS एक्सेस में MS एक्सेस, जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, CD या किसी भी ड्राइव को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी थी रन कमांड। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें आपका रहेगा कंप्यूटर फुल फॉर्म।